नागरिकता शोध बिल नू लेके हो रही सियासत लगातार वधी जा रही है। जिथे मोदी सरकार इस नू लागू करन लई तरलो मच्छी होई पई है, उथे ही इस दे विरोध च कांग्रेस थंभ बन चुकी है। लगातार कांग्रेस वल्लों कीता जा रहा विरोध तेज हुंदा जा रहा है। पर दूजे पासे पठानकोट च संसार हिंदू परिषद अते बजरंग दल मोदी साहब दी सपोर्ट च उतरे होए ने। उन्हां मुताबिक इस नाल किसे भारती दा कोई नुकसान नहीं, जिसके चलदे नागरिकता संशोधन बिल नू लैके संसार हिंदू परिषद वल्लों बजरंग दल दे बैनर हेठ एक विचार गोष्ठी दा प्रबंध किया गया, जिस च जिथे भाजपा वर्कर मुसलमान समाज दे लोकां ने हिस्सा लिया, उथे ही संसार हिंदू परिषद दे प्रशांत जी पहुंचे अते लोकां नू नागरिकता सोध बिल दे सही अर्थां बारे जाणू करवाया। देखो हमारे देश में भारत सरकार ने जो नया एक कानूनन अमेंडमेंट की है, जो संविधान संशोधन अधिनियम CAA के नाम से जाना जाता है, इस कानून के जागरण के लिए हम सब लोग पूरे देश भर में प्रयास कर रहे हैं। यह कानून ना ही मुसलमानों के विरोध है, किसी एक अल्पसंख्यक भारत के अल्पसंख्यक कहे जाने वाले लोगों के विरोध में है। यह कानून देश हित में है, देश की सुरक्षा के लिए इस सरकार ने लिया है और हम सब लोग एज ए जनता हम इसका समर्थन करते हैं। यह कानून देश में बनने की आवश्यकता है। इस कानून में कोई भी मुसलमान इस देश से बाहर जाने वाला नहीं है। इस कानून में किसी के भी भारतीय नागरिक के अधिकारों का हनन होने वाला नहीं है। इस कानून में ना ही बाहर के लोग यहाँ पर कुछ आने वाले हैं। जो भी भ्रम यहाँ पर इन नेताओं के द्वारा फैलाया जा रहा है वो गलत है, इसकी जानकारी देने के लिए आज यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया था। देश भर में सब जगह पर लोग रास्ते पर आए हैं, ये लगभग 30% लोग हैं। एक सर्वे के अनुसार 65.4% लोगों ने इस कानून का समर्थन किया है। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि देश की जनता इस कानून के समर्थन में है। मगर देश के कुछ लोग यहाँ के मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। मैं स्पेसिफिकली मुसलमानों को भड़काना चाहते कह रहा हूँ कि जो नारे यहाँ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या जामिया मिलिया में दिए गए, उसका तो संविधान से कोई संबंध नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था। तो इसलिए स्पष्ट है कि इस देश में जातीयता को बढ़ावा देने का काम यहाँ के कुछ पक्ष के लोग, कुछ नेता लोग कर रहे हैं और ये तो सब जनता उनको भी अभी पहचान रही है। राष्ट्रीय मुसलमान रंगमंच दे पंजाब कन्वीनर मोहम्मद शमी ने देखो इस बिल बाबत लोकां नू की जानकारी सांझी कीती। इस तक कोई विरोध नहीं है, ये देश दे विच वधिया बिल पास होया है। जेडे 70 साल तो जां 50 साल तो नागरिक रहने इत्थे रहंदे ही हिंदुस्तान दे विच उहनां नू नागरिकता दित्ती गई है। प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया बहुत वधिया किया है। जिहड़ी अफवाह करके तो ये जिहड़े दंगे फसाद कर रहे ने, ये असली तो देख ही नहीं रहे उन्हां नू जे ये बिल है की है और ये समझ नहीं रहे बिल किस चीज़ वास्ते आया। असी हिंदुस्तानी हाँ सारे, सानू तो इस बिल का कोई डर नहीं है, कोई चक नहीं है। मैं सारे समाज नू इहो ही कहना चाहता हाँ जे इस बिल दे नाल कोई भी संबंध कुछ उस चीज़ का नहीं है जिसका कोई डर होए। इस दे नाल शांतिपूर्ण रहना चाहिदा है। इस बिल नू पढ़ो, इनू देखो जे इहदे विच असली चीज़ है की है। असी तो सदियां तो इस हिंदुस्तान दे विच हिंदुस्तानी हाँ। असी तो पूरे देश दे वास्ते लड़ के इस देश दे वास्ते कुर्बानी दी है, तो असी को उधरों आके थोड़े बसे हाँ जे असी डरीए। असी तो साडा देश है, अपने देश वास्ते असी हर चीज़ नू इत्थे हर प्यार दे नाल रहिंदे हाँ, प्यार भवन दे नाल रहिंदे हाँ। असी मैं इहो ही अपील करना चाहुंदा हाँ कि साडे समाज नू डरन दी कोई लोड़ नहीं है, इह ना ही साडे खिलाफ बिल है। चकदे टीवी नाल जुड़े रहन लई साडा चैनल सबसक्राइब करो। वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।